हे गाइस व्हाट्सअप दोस्तों, आज मैं आपको मधुमक्खी वाला खेत दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये पानी का यूज़ कर लें, और फिर इसके जो है चारों तरफ चार चार ब्लॉक है ना, ये हमें खेती के लिए यूज़ करना है। और जो बीच में हम जो है मधुमक्खी का घर बनाएंगे, और उसके आसपास हम खेत बनाएंगे। तो ये कैसे क्या काम करेगा और इसके बाद जो फसल होगी वो कितनी तेज़ी से उगती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखो, आप पूरा फॉर्म देखो हमारा बना के, और आप भी इसको बना सकते हो, काफ़ी मस्त रहेगा। और आपकी फसल जो है बहुत ही जल्द स्पीड में बड़ी हो जाएगी, मतलब इतनी तेज़ी स्पीड में बड़ी होगी कि पता ही नहीं चलेगा। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये चार चार जो ब्लॉक है ना, ये इसके पानी के चारों तरफ बना लेने हैं, ये हो ही से। और ऐसे ही मतलब पूरा चौकोर जो है क्लियर कर लेना, जैसा ये हो रहा ना ऐसे में। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अपने बीज लगाएंगे। आप किसी के बीज ला सकते हो, जिस जो भी आप चाहो, और फिर उसमें हम खेती करेंगे। और बीज में जो ब्लॉक है वहाँ पे हमें मशीन लगानी है, तो वो मशीन कैसी बनेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में बाद में। तो ये देखो, मैंने ये कर लिया है, और इसको हम स्लैब से बंद कर लेते हैं। तो इस पानी से जो है चारों तरफ ये जो पानी, ये जो खेत है, काम करेगा इस पानी से। तो अब हम दूसरे काम कर लेते हैं हमारे। तो सबसे पहले तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि हमें इसमें जो भी चीज़ चाहिए, जैसे चेस्ट चाहिए, और हॉपर लगेगा, और भी और माइन कार्ट भी लगेगा। तो सबसे पहले चेस्ट लगा देता हूँ मैं, और ये लग गया हमारा चेस्ट, और इसके पीछे हमें लगाना है हॉपर। तो हॉपर यहीं से लेना पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लगा दिया इसके पीछे हॉपर। और अब हमें लगाना है बी का, पहले तो हमें लगानी है माइन कार्ट। तो इसके लिए हम पहले रेल लगा लेंगे, और उसके ऊपर रख देंगे हमारा माइन कार्ट। और इस माइन कार्ट को आप बाद में तोड़ भी, मतलब वो इस रेल को बाद में आप तोड़ भी सकते हो, जो माइन कार्ट रखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं इसके ऊपर एक स्लैब लगा लेता हूँ सीढ़ी वाली। यार ये कहाँ चला गया, अरे ये कहाँ चला गया माइन कार्ट हमारा। यार ये तो अजीब चीज़ हो गई, कैरम पे से लगा लेते हैं इसको, हमारे पास माइन कार्ट की कमी नहीं है। तो ये लगा दी हमने माइन कार्ट, और अब हम लगा लेते हैं अपनी सीढ़ी। मेरे ख्याल से ये जो सीढ़ी है ना, ये मुझे अलग से ही लगानी पड़ेगी। वैसे सीढ़ी का कोई यूज़ नहीं है, तुम्हारा टेम्परेरी ब्लॉक है। तो अब देखता हूँ लगता है कि नहीं, नहीं लगा यार। मैं को ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा अलग तरीके से लगाता हूँ। पहले मैं ये सीढ़ी लगा लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे सीढ़ी मतलब रेल तोड़नी पड़ेगी, और अब इसके बाद मैं ऐसे लगाता हूँ इसको सीढ़ी। तो ये लग गई हमारी सीढ़ी। अब मैं लग देता हूँ अपना माइन कार्ट। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, आप देख लेना थोड़ा। और इसके बाद मतलब काफ़ी मस्त जो खेत है ना काम करेगा। आपको इसमें जो हम वो डालते हैं वुड, वो जो हड्डी का चूरन डालते हैं ना, बोन मील, बिना बोन मील के इतनी स्पीड में आपका खेत काम करेगा कि आप पूछो ना मत। बस आपको थोड़ी ये इसमें मतलब मेहनत करनी पड़ेगी फसल बनाने के लिए। और इसके साथ साथ आपको जो हनी कॉम्ब भी मिलेगा, ये जो माइन का, ये जो मैंने वो नीचे लगाया है ना, तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये मैं थोड़ा ही वो बना लूँ बस थोड़ा, और
अब डिस्पेंसर लगा लेता हूँ, और हमें एक ऑब्जर्वर भी, ऑब्जर्वर मेरे पास है कि नहीं अभी? खैर पहले डिस्पेंसर लगा लेता हूँ मैं, तो उसके लिए यहाँ पे चलो ये लग गया हमारा डिस्पेंसर। तो ये डिस्पेंसर लगा लिया, और अब हमें चाहिए हनी का डब्बा, मतलब जिसमें हमारा ये मधुमक्खी रहती है ना, वो चाहिए। अरे यार ये फिर से चला गया हमारा माइनकार्ट। तो मुझे लगता है यार मुझे इसमें मतलब बैठ के लगाना पड़ेगा, तो ऐसा तो लगेगा नहीं। ठीक है, हमें क्राउच होके लगा दिया। तो ये जो हो गया हमारा मधुमक्खी का घर, और अब इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी लगा देता हूँ फटाफट। तो मतलब बहुत सिंपल है ये जो है ना चीजें, आपको देख के समझ में आ ही गया होगा। और अब मैं लगा देता हूँ ऑब्जर्वर। तो ये लग गया हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मुंह आप जरूर ध्यान रखना कि वो एकदम वो नीचे की तरफ हो, तो इसलिए आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हो, वैसे मैं वुडन का रख देता हूँ, मेरे पास वुड के ये प्लैंक्स हैं, इसको रख देता हूँ मैं। अरे यार फिर गिर गया मैं, रुक जाओ इसके ऊपर चढ़ता हूँ एक बार। ओके अब ठीक है, अब ये रख देता हूँ हमारे वुड के प्लैंक्स। ठीक है दोस्तों, हमारा काम यहाँ के मशीन का काम तो हो गया है, और अब इसमें हम थोड़ा वो डाल देते हैं हमारा रेडस्टोन का डस्ट, और बाकी हमारा फिर अब काम जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें जो है ना ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसको हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा कवर, क्योंकि क्या होगा ये जो बी होंगी ना ये तो यहाँ पर रहेंगी, लेकिन मतलब बाहर की कोई चीज़ में डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए हमें इसको कवर करना पड़ेगा। और उसमें से लाइट भी आती रहे, तो इसके लिए मैं थोड़ा उसको ग्लास का बनाऊंगा, ताकि ऊपर से मतलब लाइट भी आती रहेगी और ये कवर भी रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कितने हमें वो लगाने हैं ब्लॉक्स, उसकी हाइट क्या होगी, और ये भी बता दूंगा। और कवर करने से पहले ये हम फूल लगा लेते हैं चारों तरफ, क्योंकि ये जो फूल हैं इसी के जो पोलेंस होंगे वो मधुमक्खी जो है लेके आएगी उसके घर तक। तो उसके बीच में जो खेत है ना, ये हमारे खेत उसके रास्ते में पड़ेंगे, तो फिर ये जो हमारे जो खेत हैं इनको मतलब वो उसमें वो गिराते हुए जाएगी, तो हमारी जो खेती होगी काफ़ी तेज़ी से होगी, इसलिए हम इसके चारों तरफ फूल लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमारी मक्खी इसमें फूल में बैठेगी और फिर अपने घर पर जाएगी, फिर फूल में बैठेगी फिर अपने घर पर जाएगी, तो इस चक्कर में जो हमारे खेत हैं ये काफ़ी स्पीड में बड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका पूरा बता देता हूँ एक एक स्टेप। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा ये। इसको थोड़ा और प्लेन कर देता हूँ मैं, ये मुर्गी बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो ये मुझे यहाँ पे क्लियर करने हैं, चलो बढ़िया लग रहा है। और मैं ऐसा करता हूँ स्टेयर लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा मतलब गेट टाइप का हो जाएगा, ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ से। और अब हम इसको करते हैं कवर। तो कवर के लिए यार मेरे पास कुछ, मैं ऐसा करता हूँ स्टोन लगा देता हूँ सीधे, एंडरसाइट, एंडरसाइट ही लगा देता हूँ,
तो ये हो गए हमारे इनर साइड। तो ऐसे ही आपको पूरे कवर करने हैं, तो जैसे ये मैंने कवर कर दिए ना, ऐसे ही बिल्कुल पूरे कवर करने हैं। और उसके बाद हमें जो है इसकी जो ग्लास के ब्लॉक्स लगाने हैं, मतलब ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ग्लास के ब्लॉक्स रहेंगे तो उसमें लाइट आती रहेगी और जो हमारी मधुमक्खियाँ रहेंगी उनको पता रहेगा कब मतलब दिन हो रहा है कब रात हो रहा, तो उस हिसाब से वो काम करेंगे अपना। तो ये मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ और इसकी हाइट भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में कि आपको कितने ब्लॉक्स की हाइट रखनी है जिसमें हमारी मधुमक्खी जो अच्छे से रह पाएगी। तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये दो ब्लॉक नीचे हो गए, इस तीसरा चौथा पांचवा और एक ब्लॉक जो है हम उसकी बना देंगे एंडरसाइट की। तो टोटल हमें 6 ब्लॉक्स की जो है हाइट रखनी है, समझ गए हो ना आप। तो ऐसी और इसी हिसाब से हम पूरा कवर कर देते हैं, नीचे हमारे बीच में ग्लास होंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा पूरा फॉर्म तैयार हो गया, ऊपर भी मैंने ग्लास लगा दिए हैं और साइड में भी हमारे ग्लास लग गए हैं और बीच में ये हमारा खेत है। देखने में तो काफ़ी शानदार लग रहा है। और यहाँ पे हम लगा देंगे गेट ताकि ये मुर्गी देखो ऐसी कोई चीज़ अंदर ना जाए, तो मैं सर मैंने मतलब गेट लगा देता हूँ। तो ये लग गए हमारे गेट और ऊपर से थोड़ा कवर कर देता हूँ, यहाँ पे एक ग्लास लगा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरा कवर। और अब हमें ये जो खेत है ना हमारे, इसमें हमें बीज लगाने हैं। तो ये जो बीज लगाने हैं, पहले मैं थोड़ी जमीन सही कर लूं। और अगर आपको खेत में अच्छे रिजल्ट चाहिए कि और भी अच्छी मतलब वो रहे, क्या बोलते हैं, खेती बहुत अच्छी है वो स्पीड में, तो उसके लिए आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं। तो उसकी देखो ट्रिक ये है कि ये जो आपको फसल है ना, आपको अल्टरनेट रखना है, यानी जैसे मैंने एक गाजर का रखा था, दूसरा मैं आलू की रख रहा हूँ। तो इस तरीके से को आप यूज़ करोगे तो आपकी फसल और तेज़ी से ग्रो करेगी। तो ये उसकी मेन जो है ट्रिक है। तो इसलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक जैसे गाजर लगा रहा हूँ, फिर दूसरा आलू, फिर एक गाजर, फिर आलू। ऐसे ही आप वीट लगा सकते हो, जो भी अपनी मतलब सीड्स होते हैं उनका यूज़ आप कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा ये फिल कर देना है। तो जैसे मैंने फिल कर दिया है और अब हम अपनी वो मधुमक्खियों को बुलाते हैं। तो एक जो घर में है ये 3 मधुमक्खी रह पाती हैं, तो मैंने 3 कर दिए। और अब ये फूल पे बैठेंगी और फिर फूल से ये जाएंगी इस पे, ये हमारी मशीन पे। और इसमें जो हमने चेस्ट रखा उसका भी मैं आपको यूज़ बता देता हूँ कि उसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये आलू की फसल बड़ी हो गई जरा ही देर में। जहाँ से मधुमक्खी गुजरेगी वहाँ की फसल जल्दी बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया। अभी तो चेस्ट खाली है, थोड़ी देर वेट करते हैं हम। तो देखो दोस्तों हमारी फसल बड़ी हो चुकी है। और ये देखो दोस्तों बिल्कुल कुछ ही मतलब कुछ सेकंड या मतलब कुछ सेकंड में ये बड़ी हो चुकी है। और ये देखो हमें चेस्ट में ये मिला है हनी कॉम्ब, तो ये हमें फ्री में मिलता रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने इसके लिए यहाँ पे जो डिस्पेंसर है ना, इस पे मैंने वो भी रखा है, क्या बोलते हैं, ये काटने वाला ये शीयर, तो इसको भी आपको रखना है, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये आपको हनी कॉम्ब भी मिलते रहेंगे इसके साथ साथ, और आपका फॉर्म बड़ी बड़ी मस्त चलता रहेगा। ये पूरी फसल बड़ी हो चुकी है, आप इसे काट सकते हैं, फिर से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये देखो ये मेरे को मारना चाहता है,
क्योंकि मैंने इसका सरदार को मार दिया है, इसलिए ये मेरे पीछे पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अब इसके बाद मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।